हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 23rd। तो लास्ट 21 से लेकर 23rd तक जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहे हैं उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं आपका EHEP। दैट इज़, इसका मतलब क्या है? इथाइलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, पहले हम इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। तो अगर अभी हम इसकी रिसेंटली बात करें तो FAC जो है आपकी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, इसने अभी अरुणाचल प्रदेश में आपका गवर्नमेंट को बोला है कि आप फाइल करिए फ्रेश प्रपोजल फॉर द फॉरेस्ट डाइवर्जन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इथाइलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को लेके ये न्यूज़ में आया है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएँ थोड़ा सा, तो अगर हम बात करें कि क्या है ये, तो जो आपका FAC है ये आपका किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये आपका KMID रिपोर्ट ऑफ नॉन कंपाइलेंस विथ इट्स कंडीशन एंड वाइड स्प्रेड प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट इन द रीजन। ठीक है, तो जो ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है विल नेसेसिटी द डाइवर्जन ऑफ, इतने हेक्टेयर्स में ये पर्टिकुलरली फैला है, ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड फेलिंग ऑफ द मोर देन, इतने ज़्यादा जो ट्री हैं आपके ये वहाँ पे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो आपका वर्ल्ड का एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखिए, अगर हम बात करें कहीं पे भी जब कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट आपका लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का जो एरिया है उसको हार्मफुल पहुँचता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो एरिया है ना आपका, ये एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इससे आगे इसकी प्रोजेक्ट की, ये क्या है, कहाँ पर ये बनाया जाएगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश मैप में आपको दिखेगा, यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इथाइलीन का, जो आपका है हाई HEP प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूस 30797 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, ये लोकेटेड है आपका कौन सी वैली में, दिबांग वैली में। आपने ये नाम सुना होगा, दिबांग वैली एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। किस एरिया में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपका प्रपोज्ड किया गया था 2008 में, तो अभी भी डेवलप हो रहा है एज अ जॉइंट वेंचर, किसके थ्रू, बाय द जिंदल प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी है आपकी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज आपस में मिलकर इसको डेवलप कर रही हैं। तो जो ये प्लान है आपका, ये कंबाइन करेगा टू रन ऑफ स्कीम्स को, रन ऑफ रिवर वाटर को, जो कि लिमिटेड स्टोरेज में वहाँ पे रिक्वायरिंग है, कंक्रीटिंग डैम्स ऑन रिवर, एक रिवर है आपकी तेंगोन, दूसरी है आपकी ड्राई ट्रिब्यूटरी ऑफ दिबैंग रिवर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं आपकी दिबैंग रिवर की। तो ये यहाँ पे कौन से एरिया में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश दिबैंग वैली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज के ऊपर है, देखिए NCERT ने अभी नोटिफाई किया है इंडिया का फर्स्ट आपका असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट रेगुलेशन। अगर हम बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल में चेकिंग करना, उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर वर्क करना। तो यही चीज़ कंटेक्स्ट में आई है। कंटेक्स्ट में क्या है, जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, दैट इज़ NCERT, इन्होंने नोटिफाई किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, जिसका नाम आपका क्या है, परख। तो परख आपका एक हिंदी टर्म है, जिसके बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं, इट मीन्स कि वी शुड चेक रेगुलरली कि कैसे वर्क हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो नाम याद रखना है, अगर परख एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान में रखना है क्या है ये, फर्स्ट असेसमेंट स्टार्टेड बाय दी NCERT। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये परख क्या है। जो आपका ये परख है, ये आपका लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी आई थी 2022 में। ठीक है, दैट इन्विजिट अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, जो आपकी एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, इस एडवाइस करेगा स्कूल बोर्ड्स में रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न एंड द लेटेस्ट रिसर्च एंड प्रमोट द कोलैबोरेशन बिटवीन देम। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट्स को फॉर द सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम। उसके बाद एक और इम्प्रूव चीज़ है, वो है आपका रिमूव करेगा डिस्पैरिटीज को। ठीक है, इन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इनरोल विद द डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स में आप देखते हैं अलग अलग डिस्पैरिटीज होती है, उसको भी रिमूव करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ये परख से हम यही चीज करेंगे। अगर हम बात करें अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो देखते हैं ये क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये किस चीज़ के लिए लाई गई है। ये आपका बूस्ट करेगा स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इन्हांसिंग द एजुकेशन बजट
टू द लेवल ऑफ 6% ऑफ द जीडीपी। इसमें आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करी गई थी जो था आपका इट हैज एम्फेसाइज द यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का हम लोग यूज करेंगे, और लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी वहाँ की रीजनल और लोकल लैंग्वेज है एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 तक, क्लास 5 तक, सो दैट बच्चा अपनी लैंग्वेज को भी सीखे, उसको भी अडॉप्ट करे। इस चीज के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक मेंशन आपका किया गया है। तो वाइल रिकमेंडिंग इट कंटिन्यूएशन टिल दी क्लास 8 एंड बियॉन्ड, आपका रिकमेंडेशन के बेस पे आपका आगे भी बियॉन्ड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी सिर्फ 5 क्लास तक ही है, ठीक है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि हमने यहाँ पे एक टर्म डिस्कस किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है और क्यों न्यूज़ में आया है, अगर हम इसके कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया सपोर्टेड रिजोल्यूशन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी गेट अडॉप्टेड बाय दी, किसके थ्रू अडॉप्ट किया गया है, UNGA दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर हम इसके बात बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो रिजोल्यूशन है आपका ये एनकरेज करता है मेंबर स्टेट को टू इंटीग्रेट एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी इनटू देयर एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड कैरिकुलम, अगर हम कैरिकुलम और उसमें ऐड करेंगे। इट ऑल्सो आस्क द मेंबर स्टेट टू क्लोज द डिजिटल डिवाइड्स। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है, क्या है ये एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, प्राइमरली ऑन द डेमोक्रेटिक राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एजुकेशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रिलेशन टू द सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड कल्चरल स्पेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर हम रिसेंटली प्रेजेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोल्लम जो कि आपका कहाँ पे है, केरला में है, हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कौन सी जगह है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग, ये आपके सामने इंडिया का मैप है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिस वन दी स्टेट एंड यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलरली कोल्लम, तो ध्यान में रखना है अगर एग्जाम में आता है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम और प्लेस आपको याद रखना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, गंजमन केवड़ा ऑयल। अब ये केवड़ा ऑयल, ऑयल से कुछ समझ में आ रहा होगा आपका, ऑयल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम लोग कुकिंग पर्पज से भी यूज़ करते हैं एंड एज अ मेडिकल पर्पज से भी ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो अगर अभी हम इसके कंटेक्स्ट की बात करें कि ये कंटेक्स्ट में क्यों आया है, तो अभी रिसेंटली ग्रोथ डिमांड फॉर द केवड़ा ऑयल हैज़ बीन बूस्टेड द रेवेन्यू ऑफ फैमिलीज इन द कोस्टल पॉकेट ऑफ उड़ीसा गंजमन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये कोस्ट के एरिया में ये ग्रो किया जा रहा था उड़ीसा के यहाँ पे बहुत टाइम पहले से, तो अभी वहाँ के लोगों के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में आया है, हु हैव बीन एकिंग आउट ऑफ लिविंग बाय प्रिपेयरिंग एरोमेटिक केवड़ा ऑयल फ्रॉम द फॉर ईयर्स, बहुत सालों से यहाँ पे ये प्रिपेयर किया जा रहा है, तो अभी वहाँ के लोगों को इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी डिमांड की आपकी बूस्ट हुई है। तो अगर हम बात करें इसकी केवड़ा की, तो ये क्या होता है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से प्लांट या उसमें फ्लावर की तरह वहाँ पे ये आपका होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो केवड़ा ऑयल है ये स्टीम डिस्टिल्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ एरोमेटिक स्क्रू पाइन प्लांट एंड यूज एज द एरोमेटिक इन फूड इंडस्ट्री एंड अदर सेक्टर, ये एज अ एरोमेटिक आपका फूड इंडस्ट्री और बहुत सारे अदर सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइन उसकी तरह दिख रहा होगा आपको, ये आपका रजिस्टर किया गया है अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ध्यान में रखना है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इसके अंडर ये रजिस्टर किया गया है, कहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, तो यू शुड नो दी बैकग्राउंड, ठीक है। तो न्यूज़ में है तो कहाँ पर है ध्यान में रखेंगे, कौन से एरिया है, उड़ीसा का गंजमन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंड नेक्स्ट आर्टिकल की, तो देखिए यहाँ पे आपका लियोपर्ड 2 टैंक है। अब इसको आप देख सकते हैं, ये आपका एक टैंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज में। अभी न्यूज़ में क्यों आया है ये टैंक, इसका रीज़न क्या है, न्यूज़ में आने का रीज़न क्या है कि जर्मनी के ऊपर अंडर प्रेशर किया जा रहा है टू ऑथराइज द सेंडिंग लियोपर्ड 2 टैंक टू यूक्रेन फ्रॉम अदर यूरोपियन नेशन, यूक्रेन को भेजने के लिए उसके ऊपर अभी अंडर प्रेशर किया जा रहा है। अगर हम इस टैंक की बात करें तो जो ये आपका ये टैंक है ये वर्ल्ड का लैंडिंग बैटल टैंक है, मतलब बैटल टैंक है ये एक तरीके का। अंटिल नाउ अभी तक बोथ यूक्रेन एंड रशिया हैव बीन यूज, ये यूक्रेन और रशिया सोवियत एरा के टाइम से ही इस टैंक का यूज़ कर रहे हैं आपका एज अ बैटल में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ये क्या है ये टैंक, तो इसको देखते हैं जरा कि ये क्या है, देखिए ये आपका वर्ल्ड का लैंडिंग बैटल टैंक है जो कि यूज़ किया जाता है जर्मन आर्मी के थ्रू फ्रॉम द डिकेड बहुत टाइम पहले से एंड बाय द मिलिट्रीज ऑफ मोर देन अ डजन ऑफ अदर यूरोपियन नेशन, नॉट ओनली द जर्मन बट ऑल्सो अदर यूरोपियन नेशन ऑल्सो यूज दिस टैंक एज वेल एज बाय द आर्मीज ऑफ कंट्री एज फार एज
उसके अलावा आप देखेंगे कनाडा, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज भी इस टैंक को यूज़ करती है। इसके बेनिफिट क्या है, देखिए ये पहली बात तो ये डीजल इंजन से पावर्ड होता है। सेकेंड थिंग आप देखेंगे ये नाइट विजन में भी हेल्प करता है, इसके इक्विपमेंट जो है वो नाइट विजन में हेल्प करते हैं। एंड इसमें लेजर रैंक फील्ड होता है दैट कैन बी मेजर द डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट, जो आपका एक डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का उसको मेजर कर सकता है, एनेबलिंग इट टू अ बेटर एम एंड मूविंग टारगेट वाइल ट्रेवलिंग ओवर रफ टेराइन एरिया में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है लेपर्ड 2 क्या है, एग्जाम में प्रिलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है लेपर्ड 2 एंड आगे आपको ऑप्शन देंगे, तो यू शुड नो कि बैटल टैंक है आपका एक। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये सब चीजें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए CNAP, अब इसका मतलब क्या है, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। अब इसको अगर हम थोड़ी सी बात करें बैकग्राउंड में, तो हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग ट्रू कॉलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रू कॉलर इंस्टॉलिंग इन अवर फोन, क्या बेनिफिट होता है, आपको डायरेक्टली जो भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है, जो भी जिस नाम से वो सिम रजिस्टर होती है, आपको उसका नेम एंड आइडेंटिटी पता चल जाती है, जिससे अगर आपका मन है तो आप कॉल पिक करते हैं, अदरवाइज यू डिस्कनेक्ट दी कॉल। ठीक है, ये इसी को लेकर न्यूज़ में आया है। तो अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है इन्होंने बोला है प्रमोट द CNAP बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डिस्प्ले द कॉलर नेम कुड हैव प्राइवेसी इम्प्लीकेशन। अगर हम ऐसे करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो करेंटली अभी क्या है, प्रेजेंट में देयर आर सम एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ट्रू कॉलर विच ऑफर अ सिमिलर सर्विस, जो इस तरीके की सर्विस दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो भी सारी ऐप्स हैं ना, ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं एंड डिपेंड ऑन दी क्राउड सोर्स डाटा, जो भी क्राउड सोर्स डाटा है वहाँ से कनेक्ट करके ये थर्ड पार्टी ऐप है, कम्प्लीटली राइट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये एक फीचर है जो आपका अलाउ करेगा यूजर टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉलिंग देम, कौन पर्सन को कॉल कर रहा है, इस चीज़ की आइडेंटिटी वो नोन करेगा, जो कि ट्रू कॉलर पहले वर्क करता है। बेसिक आइडिया इज दैट द पीपल जो हैं वो अवेयर हो जाए पर्सन की कौन उनको कॉल कर रहा है, और उनके पास इन्फॉर्म होगी चॉइस अबाउट दोज कॉल, उनके ऊपर चॉइस है। एट द सेम टाइम सच अ फीचर कुड पोटेंशियली हेल्प इन दी कर्विंग द हरासमेंट एंड अदर स्पैम कॉल्स। अगर आप लोगों ने कभी ट्रू कॉलर यूज़ किया होगा तो यू शुड नो कि उसमें आपका जो भी स्पैम कॉल्स होती हैं वो रेड कलर से आ जाती हैं। ठीक है, थीके? तो उससे क्या होता है, हमें ईजी पड़ता है, हम कॉल पिक नहीं करते, वी डायरेक्टली डिस्कनेक्ट दी कॉल। तो इस चीज़ में ये एक तरीके से हेल्पफुल है। अगर हम इसमें आगे आपकी बात करें कि ये क्या है, कंसर्न क्या इशू होंगे, अब देखिए कुछ कंसर्न तो इशू होंगे। फर्स्ट थिंग इज प्राइवेसी, प्राइवेसी कंसर्न होगा बहुत सारे, उसमें क्या होता है कि इसका एज अ मिसयूज़ किया जाता है प्राइवेसी को, तो वुमेन के लिए एक तरीके से अनसेफफुल है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं बहुत सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपैक्सिंग बेस्ड इंटरकनेक्शन बिटवीन द टेलीकॉम डज नॉट सपोर्ट दी CNAP। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो 2G 3G नेटवर्क पे भी ये वर्क नहीं करेगा, तो कुछ इसके टेक्निकल इश्यूज भी हैं। अगर हम बात करें एक लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुड बी इनएक्यूरेट। जरूरी नहीं है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है इट विल बी कम्प्लीटली एक्यूरेट, बिकॉज आप ट्रू कॉलर को आप देख लीजिए अपने फ़ोन में, ऐसा नहीं होता हर टाइम आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आती है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर होती है। तो दिस वॉज ऑल्सो एन मिस बैक और लैक ऑफ दिस इशू। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखिए आप यहाँ पे, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, आपको क्लियर हो जाएगा। बिफोर CNAP आपको सिर्फ जिसका कॉल आ रहा है आपको सिर्फ आपके डायलर पे उसका नंबर शो हो रहा है, बट आफ्टर अगर हम इसको करेंगे तो जैसे ट्रू कॉलर में दिखाता है नेम आपको बता देगा, प्लेस कहाँ से आपको कॉल कर रहा है। तो ये बिफोर एंड आफ्टर, दिस वॉज द मेन डिफरेंस, हम CNAP को अगर यूज करेंगे तो क्या इशू आएगा। तो अगर एग्जाम में आता है CNAP क्या है तो यू शुड नो। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए NRP, NRP क्या है, नेशनल रिस्क प्रोफाइल। एज नेम सजेस्ट कि जो भी आपका रिस्क हो रहा है उसके लिए एक प्रोफाइलिंग करना। तो किस चीज़ का रिस्क, अभी ये क्यों कंटेक्स्ट में आया है, UNEP दैट इज़ UN एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड SNP ग्लोबल लॉन्च नेचुरल रिस्क प्रोफाइल। इन्होंने आपका नेचुरल रिस्क प्रोफाइल अभी लॉन्च किया है, एक न्यू मेथडोलॉजी है फॉर एनालाइजिंग कंप्राइजिंग इम्पैक्ट एंड डिपेंडेंसी और नेचर। इससे आपका पता चलेगा कि जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से आपके नेचर पे डिपेंड है। अगर हम इसकी बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है नेचुरल रिस्क प्रोफाइल इज रिलीज बाय या किसने इसको रिलीज किया है। तो अगर हम ये बात करें इसके रिलीज की, तो ये आपका रिलीज किया गया है दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है नेम क्या है, किसने इसको रिलीज किया है। इसकी जो मेथडोलॉजी है ना आपकी, ये बेस्ड है उसकी कुमिंगन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF, इसके बारे में हमने डिटेल ऑलरेडी डिस्कस किया है,
शुड आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है क्या ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कहाँ पे ये होना था, बट किस वजह से कोविड की वजह से दूसरी जगह प्लेस्ड हुआ, कनाडा में ये प्लेस है, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आप एक बार उसको देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो अगर हम बात करें इसका एम क्या है, एम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका एम है इनेबल करना द फाइनेंशियल सेक्टर टू मेजर एंड एड्रेस दी नेचर रिस्क बाय द प्रोवाइडिंग साइंटिफिकली रोबस्ट एंड एक्शनेबल एनालिटिकल नेचर इंपैक्ट एंड डिपेंडेंसी। जैसे कि नेचर के ऊपर जो भी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर आपको पहले ही अवेयर कर देना, पहले ही प्रोफाइलिंग कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉडी आई है यूएनईपी, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, बट एक बार और देख लेते हैं। यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केनिया में है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्स टू कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इशू विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है। इसके थ्रू ये एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था। मुरियाइस स्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट डायरेक्टर आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट इन द स्टॉकहोम इन जून 1972, ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, उसका नेम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये सब हमने डिस्कस किया है यूएनईपी के ऊपर पहले भी, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो एट द एंड आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए करना है। अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया केवड़ा ऑयल के ऊपर, तो इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको आंसर करना है। फर्स्ट पॉइंट इज केवड़ा ऑयल ट्रीज नेटिव टू इंडिया। सेकेंड ऑप्शन इज केवड़ा ऑयल इज यूज इन जर्दा फ्लेवर टोबैको एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लास्ट वन इज केवड़ा ऑयल फार्मर एंड मेकर अर्न हाई रेवेन्यू। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताएंगे। आई होप हमने जितने भी आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।